हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल रेसिपी जो सभी के घर में बनती है, जो कि है जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 से 1.5 कप चावल और इनको हम अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इन्हें भिगो कर रख देंगे। अब लगभग आधा घंटा हो चुका है तो हम जीरा राइस बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कुकर ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, 2 से 3 तेज पत्ता, 1 लौंग, जीरा और इनको अच्छे से स्टर कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सोक किए हुए राइस। राइस डाल के एक बार अच्छे से मिला लें। मैंने यहाँ 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है, उससे ज़्यादा पानी आप ना डालें, नहीं तो आपके जो राइस हैं वो खिले खिले नहीं बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट डालकर आप एक बार और मिक्स कर लें और प्रेशर कुकर को बंद कर दें और 1 सीटी आने तक इंतज़ार करें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 सीटी के बाद आप गैस ऑफ कर दें। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाकर देख सकते हैं कि हमारे जीरा राइस बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जीरा राइस कितने खिले खिले बने हैं। तो अब हम जीरा राइस को एक बोल में सर्व कर लेते हैं। मेरे चैनल पर आपको हर एक वीडियो के अंदर एक टिप मिलती है, तो इस वीडियो की टिप ये है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल ना करके देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी से जीरा राइस में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरे जीरा राइस की रेसिपी कैसी लगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।